हेलो गाइज, थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि इस बारे में वीडियो है। तो आज हम बताएंगे कि मर्चेंट नेवी में आने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक, तब आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी। वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक वीडियो देखें। मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि मर्चेंट नेवी में आने से पहले किस किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। तो वो सबसे पहले मर्चेंट नेवी में आने से पहले ये आपको सोचना चाहिए कि अपने परिवार से, अपनी फैमिली से सालों साल दूर रहना होता है। ना कोई आपकी लाइफ में फेस्टिवल होगा, ना कोई बर्थडे होगा, कुछ नहीं होगा। सालों सालों भर आपको सिप पर रहना पड़ेगा, आपकी फैमिली से दूर होना पड़ेगा। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि मर्चेंट नेवी में आने से पहले अपनी फैमिली को, अपनी फैमिली से दूर रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं। क्योंकि अपनी फैमिली से दूर अगर रह सकते हैं तो इस मर्चेंट नेवी में आ सकते हैं, नहीं तो आपके लिए नहीं है। तो मैं इस वीडियो में ये बताना चाहता था। और कितने बंदे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं कि मर्चेंट नेवी में कैसे जाए, कौन सा कोर्स किया जाए, तो इस बारे में बताना चाहता हूँ मैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स करना चाहेंगे। जैसे आपके पास पैसे रहेंगे तो मैं ये बताऊँगा कि DNS आप कर लीजिए। DNS करेंगे तो डायरेक्ट आपके ऑफिसर की पोस्ट मिलेगी, या GP रेटिंग कर लीजिए जो 6 महीने का कोर्स होता है, तो वो भी कर सकते हैं, वो भी सही है, वो भी ऑफिसर के पोस्ट मिलता है। नहीं तो पैसे ज़्यादा नहीं है तो आप लखनऊ में एक कैंपस है, मैं बता रहा हूँ, जिससे मैं किया हूँ, वो उसका नाम है CMT, लखनऊ में है, सीतापुर रोड में, जिसमें 22-23 हज़ार रुपये लगता है STCW का, जो मैं किया हूँ, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको जब सिप ज्वाइन करेंगे तो आपको चार्जेस देना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम आपको चार्जेस देना पड़ेगा। जैसे आपको कोई सुपरवाइजर 30 लेगा या 60 लेगा, दोनों में से कोई लेगा। तो उसके बाद आपका सिप ज्वाइन होगा, उसके बाद एक पैसा भी आपका नहीं लगेगा। और सैलरी स्टार्टिंग में 20-25 हज़ार रहेगी, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपका सैलरी बढ़ता जाएगा। तो इन बातों का आप ध्यान रख लीजिए। इंस्टाग्राम में कितने बंदे मैसेज करते थे, इस वीडियो में मैंने बताया कि आपको कैसे क्या करना है। और सबसे ये बात, जब आप मर्चेंट नेवी आने से पहले आपको कितने मने आपके घर के अगल बगल के लोग आपके मनोबल तोड़ते हैं कि मर्चेंट नेवी मत जाओ, ये होता है, वो होता है, तो ये सब नहीं है, आपके बस मनोबल तोड़ते हैं। पहले ये बताइए कि कोई इंसान आगे बढ़ता है तो कोई बढ़ने देता है, पीछे से कुछ ना कोई बोलता ही रहता है कि ये होता है, वो होता है, लेकिन आपका जो मन करे वो करो, क्योंकि आपकी लाइफ है, आपको कैसे जीना है अपने अच्छी तरह मालूम है, कैसे आपको जीना है, कैसे क्या करना है। तो दूसरों की बात आप क्यों सुनेंगे, दूसरे तो पैसे आपको देंगे नहीं, तो आप दूसरों की बात क्यों सुनेंगे। आपको मेरे घर के आसपास के लोग बोलते थे कि अरे मर्चेंट नेवी में ये होता है, वो होता है, तो मैंने उन लोगों की बात नहीं माना, मैंने आ गया और मैं यहाँ फ्रीडम रहता हूँ, मेरी सैलरी भी अच्छी खासी है। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। तो मैं इस वीडियो में इतना ही, और जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि मर्चेंट नेवी में क्या क्या कोर्स होते हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑन कर देना, क्योंकि मेरी जो सबसे पहले जो नई वीडियो आएगी आपके नोटिफिकेशन द्वारा पता चल जाएगा कि मेरी नई वीडियो आई है, और आप सबसे पहले मेरी वीडियो देखेंगे। तो सब्सक्राइब कर देना।